हेलो फ्रेंड्स, HPCL में ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनी इंजीनियरिंग की BBTEC सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सभी ब्रांचों के लिए ग्रेजुएट इंजीनियरिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनी की वैकेंसी निकाली गई है, जिसका फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हो। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 6 दिसंबर 2021। ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एज लिमिट है, मिनिमम एज है 18 वर्ष और मैक्सिमम एज है 25 वर्ष। एज रिलैक्सेशन है SC ST को 5 वर्ष की छूट है, OBC नॉन क्लियर कैंडिडेट को 3 वर्ष की छूट है एज में, PWD कैंडिडेट को 10 वर्ष की छूट है एज में। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BBTEC कंप्लीट होना चाहिए, 60% ऑल सेमेस्टर या ईयर के एग्रीगेट मार्क्स के साथ जनरल OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट के लिए, और 50% मार्क्स SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। मंथली स्टाइपेंड है 25,000 पर मंथ। केवल वो कैंडिडेट जो नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS वेब पोर्टल में रजिस्टर्ड है और बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग BOAT में रजिस्टर्ड है, वही कैंडिडेट को 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। और इसका ऑनलाइन फॉर्म भी NATS की वेबसाइट के माध्यम से भरा जाएगा। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम्स में 1 जनवरी 2020 के बाद जिन्होंने BBTEC कंप्लीट किया है वही कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिन्होंने 1 जनवरी 2020 के पहले BBTEC कंप्लीट किया है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जनरल OBC नॉन क्लियर कैटेगरी के कैंडिडेट ने मिनिमम ऑल सेमेस्टर 60% एग्रीगेट मार्क्स के साथ अपना BBTEC कोर्स कंप्लीट किया होना चाहिए और SC ST PWD कैंडिडेट ने 50% एग्रीगेट ऑल सेमेस्टर एग्रीगेट मार्क्स के साथ अपनी BBTEC की डिग्री कंप्लीट की होना चाहिए। एज लिमिट है मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष 22 नवंबर 2021 तक। एज में छूट है SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है, OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष की छूट है, PWD कैंडिडेट के लिए 10 वर्ष की छूट है एज में। NATS पोर्टल के माध्यम से HPCL के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है 6 दिसंबर 2021। सेलेक्शन मेथोडोलॉजी है
कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और यह इंटरव्यू जनवरी मंथ में होगा, जनवरी 2022 में। ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट तैयार की जाएंगी जो इंटरव्यू के प्राप्त स्कोर और इंजीनियरिंग डिग्री के एकेडमिक रिजल्ट के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनाई जाएंगी जो NTS में डिस्प्ले की जाएंगी। अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए मेडिकल टेस्ट जो HPCL के स्टैंडर्ड्स के अनुसार होगा, ऑल डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स, एज प्रूफ, क्वालिफिकेशन, कास्ट, PWD मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस, ये सभी सबमिट करने के बाद ही फाइनल सिलेक्शन होगा। HPCL पर अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करने की प्रोसेस है, सबसे पहले कैंडिडेट को NTS पोर्टल के माध्यम से एनरोल होना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद उन्हें यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, उससे उन्हें लॉगिन होना होगा। उसके बाद NTS के पोर्टल में होम पेज में जाना है, होम पेज में एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है, फिर ड्रॉप डाउन मेनू से फाइंड एस्टेब्लिशमेंट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद फाइंड एस्टेब्लिशमेंट पर क्लिक करना है, उसके बाद सर्च क्राइटेरिया में प्रेफरेंस और एस्टेब्लिशमेंट नेम के दो ऑप्शन खुलेंगे, उनमें से एस्टेब्लिशमेंट नेम को सिलेक्ट करना है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड टाइप करना है और क्लिक करके सर्च करना है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर क्लिक करना है और अप्लाई बटन पर सेलेक्ट करना है। अप्लाई बटन पर क्लिक करने के बाद नीचे की ओर ट्रेनिंग पोजीशन के लिए सक्सेसफुली अप्लाइड का मैसेज दिखाई देगा। अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग इंडिया में किसी भी लोकेशन में दी सकती है, जो इंडिया में किसी भी लोकेशन में जॉब अप्रेंटिस ट्रेनिंग करने के लिए जो कैंडिडेट तैयार है वही इसका फॉर्म भरे। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की पीरियड होगा 1 ईयर का और कैंडिडेट को ₹25,000 पर मंथ स्टाइपेंड दी जाएंगी। इंटरव्यू कॉल लेटर जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उन्हें NTS पोर्टल पर शो की जाएंगी उनकी लिस्ट और उन्हें कोई भी
कॉल लेटर की हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएंगी, उन्हें उनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय दी गई ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर जो भी कम्युनिकेशन होगा, इंटरव्यू कॉल लेटर मैसेज इंटरव्यू के लिए सेंड किया जाएगा। SC/ST PWD कैंडिडेट को सेकेंड क्लास रेल फेयर ट्रेवल अलाउंस दिया जाएगा। यदि कैंडिडेट जो सेंटर इंटरव्यू के लिए चुनता है चूज करता है वहाँ इंटरव्यू सेंटर से 30 किलोमीटर से दूर है तो उसे रेल का किराया दिया जाएगा। उन्हें HPCL की वेबसाइट HPCLcareers.com से अप्रेंटिसशिप के लिए ट्रेवल अलाउंस का फॉर्म डाउनलोड करना है और उसे सबमिट करना है और साथ में ओरिजिनल टिकट लगाना है। और कोई भी हार्ड कॉपी HPCL को सेंड नहीं करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई सभी डिटेल के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन होगा और आपको आपके BBTech के परसेंटेज के अनुसार शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा इंटरव्यू के लिए और इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होगा।